डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन विषय है UGC नेट जारे पेपर 1, और इसमें हम अध्ययन करेंगे शिक्षण सहायक प्रणाली यानी कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ये हमारा क्लास 7 है। बाकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं शिक्षक सहायक प्रणाली क्या है या टीचिंग सपोर्ट सिस्टम क्या है। अधिगम प्रक्रिया के दौरान ऐसे संसाधन जिनकी वजह से शिक्षण प्रक्रिया की तीव्रता में वृद्धि होती है शिक्षण सहायक प्रणाली कहलाती है। यानी कि शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है, जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान यानी कि जो शिक्षक क्या करता है, जो शिक्षण के दौरान यानी कि क्या करता है, जितने भी संसाधन का उपयोग करता है जिससे क्या होता है, जो शिक्षण प्रक्रिया उसमें तीव्रता होती है, उनमें वृद्धि होती है, विकास होती है, वे सभी क्या है, शिक्षक सहायक प्रणाली है। चाहे वह परंपरागत शिक्षा प्रणाली हो, आधुनिक हो या तकनीकी हो यानी कि आपकी ICT आधारित हो। तो ये जो शिक्षक सहायक प्रणाली है इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। एक है परंपरागत शिक्षण प्रणाली हो गया, आधुनिक शिक्षा प्रणाली हो गया और ICT आधारित शिक्षा प्रणाली हो गया। ये 3 है आपके जो शिक्षण सहायक प्रणाली है सिस्टम है वो 3, परंपरागत, आधुनिक और ICT यानी कि तकनीशियन ICT बेस्ड। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे परंपरागत शिक्षण प्रणाली यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम यानी कि ट्रेडिशनल एजुकेशन, परंपरागत शिक्षा। परंपरागत शिक्षण प्रणाली ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम, तो चलिए देखते हैं यह क्या है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली वह है जिसमें परंपरागत शिक्षण संस्थानों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात परंपरागत शिक्षण संस्थानों के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा परंपरागत शिक्षण प्रणाली कहलाता है। यानी कि ये क्या है, जो परंपरागत शिक्षण प्रणाली है ये परंपरागत संस्थानों के माध्यम से दी जाती है। यही क्या है आपका, परंपरागत शिक्षण प्रणाली कहलाता है। ये आपका प्राचीन प्रणाली है। प्राचीन समय में क्या किया जाता था, परंपरागत शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। जैसे कि गुरुकुल शिष्य वाला होता था ना, हाँ वही वाला है ये परंपरागत शिक्षण प्रणाली। यानी कि आपकी जो पुराने समय से जो शिक्षण पद्धति है, प्राचीन शिक्षण पद्धति ये है। ये आधुनिक में हम लोगों का देखेंगे अभी वर्तमान में जिस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं वो वाला, और इसमें क्या है, गुरु शिष्य परंपरा वाला है ये। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या है, समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली है उसका उदाहरण है, इसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली क्या है। प्राचीन काल में गुरुकुल में शिक्षा का अध्यापन किया जाता था। शिक्षक अपने आश्रय में ही क्या करते थे, छात्रों को पढ़ाते थे। वे शिष्य को कार्य भी देते थे जिससे प्रत्येक विद्यार्थी बड़े ही शालीनता के साथ करते थे। यानी कि बहुत ही आदर सद्भाव के साथ क्या करते थे, शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को, गुरु द्वारा दिए गए कार्य को करते थे। ये क्या है, परंपरागत शिक्षण संस्थानों के माध्यम से जो शिक्षण प्रक्रिया होती थी वो है। इसका उदाहरण हमें रामायण काल महाभारत में दिखाई देता है। उस समय क्या होता था, गुरुकुल होता था जिससे क्या करते थे, जो शिक्षार्थी है और शिक्षक है वे गुरुकुल में उपस्थित होते थे, वहीं उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। जहाँ महाभारत काल में कौरव पांडव को गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, चाहे वो आपकी प्रैक्टिकली शिक्षा हो, जैसे कि उसमें क्या किया गया था, रामायण काल और द्रोणाचार्य यानी कि जो आपके महाभारत काल है उसमें क्या किया गया था, जो कौरव पांडव है उनको युद्ध की शिक्षा दी गई थी, उसमें क्या किया गया था, प्रैक्टिकली बाण वगैरह उनको चलाना सिखाया था। तो वो कहाँ सीखा उन्होंने, गुरुकुल में सीखा। तो ये क्या है, परंपरागत शिक्षण है। वही रामायण में राम लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ ने शिक्षा दी थी। लेकिन इस काल की शिक्षण व्यवस्था को सबसे बड़ा दोष यह था कि शिक्षण कार्य केवल राजा महाराजा के वंशों के लिए किया जाता था। आज जनमानस में शिक्षण पद्धति की जानकारी न केवल बराबर की थी यानी कि साथ ही चूंकि प्राचीन काल में युद्ध करना, युद्ध में शामिल होना आदि कार्य प्रमुख था। यानी कि प्राचीन समय में क्या होता था, जो राजा महाराजा थे या उनके वंशज से उनको ही शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार थी, जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था थी उसमें।
लेकिन वर्तमान में क्या हो रहा है, जो जनमानस है आधुनिक शिक्षा प्रणाली में सभी के लिए समान है, कोई गरीब हो भिखारी हो सभी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, सभी के लिए ये क्या है, खुला है। लेकिन परंपरागत शिक्षा जो प्रणाली है उसकी व्यवस्था प्राचीन समय में क्या थी, वो सभी के लिए अवरुद्ध थी, जो जनमानस है वे क्या करते थे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। फिर है आगे साथ ही चूंकि प्राचीन काल में युद्ध करना, युद्ध में शामिल होना आदि का कार्य प्रमुख था, अतः अस्त्र शस्त्र की ही शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो परंपरागत शिक्षा है वो प्राचीन काल में किस प्रकार से थी, प्राचीन काल में जो युद्ध नीति है उसके बारे में ही ज़्यादातर शिक्षा प्रदान की जाती थी, क्योंकि उस समय क्या था, ये युद्ध वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती थी। शस्त्र शिक्षा के अंतर्गत थोड़ा बहुत शास्त्रों का भी ज्ञान दिया जाता था, ताकि उनमें मानवीय जो नैतिक मूल्य है उनका विकास हो सके, और वह क्या सके, जो व्यक्तिक विकास है जो इंसानों को और पशुओं को अलग करता है, नैतिक विकास उनमें क्या हो सके, वृद्धि हो सके। लेकिन प्रमुख शिक्षा क्या होता था, अर्थशास्त्र का ही होता था। प्राचीन काल की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता नैतिक शिक्षा से जुड़ी थी। नैतिक शिक्षा मतलब जो क्या करते हैं, पशुओं से इंसान को अलग बनाती है, यह होता है नैतिक शिक्षा। इसमें सच्चाई, ईमानदारी, दया धर्म और नैतिक ज्ञान आदि की शिक्षा दी जाती थी। जो प्राचीन समय की शिक्षा थी, परंपरागत शिक्षा, उसमें क्या किया जाता था, सच्चाई, ईमानदारी, धर्म, दया और नैतिक ज्ञान के साथ साथ क्या दिया जाता था, युद्ध शिक्षा, ये सभी को एक साथ प्रदान की जाती थी। ये उनकी क्या है, प्राचीन शिक्षा की एक विशेषता है, या आपके जो परंपरागत शिक्षा की विशेषता है। अब उसकी कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो हम अध्ययन कर लेते हैं, उनका उदाहरण देख लिए, अब समझ लिए कि क्या है ये परंपरागत शिक्षण, मतलब आपके जो प्राचीन समय में चल रहे थे वो शिक्षा है, वह आधुनिक समय में भी क्या है, प्रचलित है, किंतु उसमें जो आधुनिक शिक्षा है उसको सम्मिलित कर दिया गया है, मिश्रण कर दिया गया है, जो क्या हो गया है, प्रभावी हो गया है। तो चलिए उसका विशेषता देख लेते हैं परंपरागत शिक्षण की। परंपरागत संस्था में औपचारिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि शिक्षार्थी को समझ में आए या ना आए, शिक्षा क्या करेगा, अपना पढ़ाने का कार्य करेगा और उन पर हावी हो जाएगा, बस इतना ही। फिर सेकेंड, यह प्राचीन समय में चली आ रही है, वर्तमान में भी क्या है, इसका प्रचलन है, क्योंकि हम संस्था में ही क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं शिक्षकों के माध्यम से, ये क्या है, हमारा परंपरागत शिक्षा है। लेकिन इसमें क्या है, जो आधुनिक ई शिक्षा है उनको इसमें क्या किया गया है, तकनीकी और जो आधुनिक ई शिक्षा है इन सभी को सम्मिलित कर दिया गया है। तो हमारा जो शिक्षा प्रक्रिया है वो क्या है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत आ गया है, लेकिन वर्तमान में भी ये प्रचलित है। यह गुरु शिष्य के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये परंपरागत शिष्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है, सॉरी क्या विशेषता है, यह पुरानी जो पुराने समय हैं वो पुराने लोगों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या हो रहा है, चले आ रहे हैं गुरु शिक्षा के माध्यम से। फिर परंपरागत शिक्षण में सुनने, समझने तथा करने का प्रयास करना किसका काम था, शिष्य का, परंतु सुनाना, समझाना और करके दिखाना ये काम था गुरु का। गुरु क्या करते थे, उनको व्याख्यान सुनाते थे, उनको समझाते थे और करके दिखाते थे। इसके बाद क्या करते थे, जो शिक्षार्थी थे वो सुनते थे, समझ लेते थे, फिर करने का प्रयास करते थे, ये उनकी विशेषता हो गई। फिर है परंपरागत शिक्षण में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत संवेदनशील और आत्मीय होता था, क्योंकि वो क्या करते थे, परस्पर एक दूसरे के एकदम मतलब कि कहे तो एकदम निकटतम संबंध होता था उन लोगों का, आत्मीय संबंध होता था। वो क्या करते थे, आमने सामने प्रतिकूल बैठ के ही शिक्षा ग्रहण करते थे। फिर है शिष्य के प्रति स्नेह गुरु का तथा गुरु के प्रति श्रद्धा शिष्य का होता था, ये उन लोगों का आदर व्यवहार होता था। फिर है शिष्य सीधे ही गुरु से मिलकर ज्ञान की पहचान कर सकता था तथा गुरु शिष्य की जिज्ञासा को परख कर उसे स्वीकार करते थे, ये इसकी एक और विशेषता है। फिर है ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित होने से क्या हुआ, इस परंपरागत शिक्षा का पतन होने लगा, यानी कि उसका क्या होगा, समाप्ति होने लगा और आधुनिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा, उसका विस्तार बढ़ने लगा। फिर है प्राचीन समय में स्कूल को ज्ञान का उत्पादन माना जाता था, यानी कि प्राचीन समय में क्या होता है, जो ज्ञान है उसका उत्पादन कहाँ होता था, स्कूल में ही होता था,
फिर है पाठ्यक्रम सामग्री को इसमें कोई महत्व नहीं दिया जाता था। इसमें क्या करते थे, जो गुरु होते थे, शिक्षक होते थे, वे अपने से पाठ्यक्रम सामग्री अपने अनुसार उनको क्या करते थे, शिक्षित करते थे अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो ये हो गया आपका परंपरागत शिक्षण प्रणाली। अब हम देखते हैं आधुनिक शिक्षण प्रणाली, फिर देखेंगे ICT। आधुनिक शिक्षण प्रणाली मॉडर्न टीचिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारे वर्तमान में जो शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, यह अब अध्ययन करेंगे। हर्बर्ट एवं टैगोर जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा बालकों के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। यानी कि जो शिक्षा है वो क्या है, बालकों की सीखने के लिए है, न कि क्या है, बालक जो है शिक्षा के लिए, ये कहा है उन्होंने। यानी कि शिक्षा क्या है, महत्वपूर्ण रूप से बालक को सीखने के लिए है, यानी कि बालक को क्या करेगा, उसके संपूर्ण विकास करने के लिए है। शिक्षा का विकास करने के लिए बालक नहीं है, बालक के विकास के लिए ही शिक्षण को तैयार किया गया है, ये है। और नए नए शैक्षणिक प्रयोग किए गए, जिससे क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। जो आपके प्राचीन पद्धति वाला जो शिक्षक थे परंपरागत, उसे क्या किया, उसमें कुछ नए नए प्रयोग किए गए, जिससे क्या हुआ, आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के आने से आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ, ये पूछेंगे तो आप बोलेंगे ब्रिटिश साम्राज्य के आने से भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ। आधुनिक शिक्षा के युग में लोगों की जिंदगी में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, यानी कि उसमें बदलाव आ गया है आधुनिक शिक्षा की वजह से। क्योंकि जो आपके परंपरागत शिक्षा है उसमें क्या हुआ था, जो विद्यार्थी है उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था जितना वर्तमान में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को महत्व दिया जाता था। लेकिन उस समय क्या था, उनके सर्वांगीण विकास को महत्व नहीं दिया जाता था। अब चलिए देख लेते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली है, सिस्टम है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं या उसके गुण हैं। आधुनिक शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देता है, यानी कि विद्यार्थी की सर्वांगीण विकास पर बल देता है, उसके शारीरिक विकास, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक यानी कि उसकी भावनात्मक सभी पर बल देता है, ये इसकी विशेषता है। फिर सेकेंड है, बालक के व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है। बालक के व्यक्तित्व मतलब उसके संपूर्ण विकास, उसके हर एक चीज़ का विकास, ये होता है व्यक्तित्व। उसके क्या, उसके जो गुण है, उसके गुणों में क्या करना, वृद्धि करना, ये उनका व्यक्तित्व हो गया। पहले क्या उसका व्यक्तित्व था, वर्तमान में क्या हो जाता है, एक बच्चा क्या करता है, बचपन में सिर्फ खेलने खेलने में ध्यान रहता है, जैसे ही बड़ा होता है वह शिक्षा प्राप्त करते रहे तो वह एक अच्छा विद्वान बन जाता है, ये होता है व्यक्तित्व के विकास, उस पर महत्व दिया जाता है। फिर है सामाजिक गुणों के विकास पर बल, जो बालक होता है उनके सामाजिक गुणों के विकास पर बल दिया जाता है, उन्हें विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे संबंधित शिक्षाएं प्रदान करती है, उनसे जुड़ने के लिए बोलती है, उनसे जो अनुभव प्राप्त करने के लिए कहते हैं, विभिन्न प्रकार की जो लाइब्रेरी होते हैं वहाँ पास विभिन्न प्रकार के सामाजिक बुक प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक लोग हैं उनसे जुड़ने के लिए बोलते हैं, इन सभी पर क्या करते हैं, जो आधुनिक शिक्षा है यह समर्थन करता है, ताकि उनका सामाजिक जो गुण है उनका विकास हो सके। फिर है व्यक्ति के विकास पर बल देता है, ये क्या करता है, जो व्यक्तित्व है उसके विकास पर बल देता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ज्ञानात्मक, आर्थिक सभी प्रकार के, यानी कि व्यक्तित्व मतलब उसके संपूर्ण विकास पर, ये हम पहले पॉइंट में भी देख चुके हैं। फिर है आज आधुनिक शिक्षण प्रणाली स्कूल, कॉलेजों आदि में दी जाती है। पहले क्या होता था, गुरुकुल में दी जाती थी जो परंपरागत शिक्षा है, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली कहाँ दी जाती थी, स्कूल कॉलेजों में। बच्चा क्या करता है, सुबह से लेकर या दोपहर के समय क्या करता है, स्कूल जाता है और 4-5 घंटे की पढ़ाई, लगभग 6 घंटे की कहीं कहीं हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, पुनः वापस आ जाते हैं। घर पर आकर उनके लिए एक अलग माहौल होता है। पहले क्या होता था, जब तक उनकी शिक्षा कम्प्लीट नहीं होती थी तब तक के चाहे 10 साल की हो, 15 साल की हो, 6 साल की हो, 5 साल की हो, क्या करते थे, गुरुकुल में ही रहते थे, उन्हें घर जाने की परमिशन नहीं होती थी। लेकिन बच्चे अभी वर्तमान में क्या करते हैं, 4-5 घंटे, 2-3 घंटे जितने भी समय हो उनका निर्धारित, उतना समय तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, फिर वापस अपने घर में आ जाते हैं, उनके लिए अपना एक घरेलू माहौल हो जाता है घर में। फिर है नेक्स्ट उसकी विशेषता या उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी,
कंप्यूटर से लेकर प्रोजेक्टर तक सभी प्रकार के शैक्षिक संसाधन क्या होते हैं घर पर ही उपलब्ध रहते हैं। यानी कि हमारे घर पर क्या है, हमारे पास मोबाइल है, प्रोजेक्टर वगैरह उपलब्ध होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, ये सभी क्या है संसाधन है, एक शैक्षणिक संसाधन जिससे हम शिक्षे हैं, वे क्या है हमारे घर पर ही उपलब्ध होते हैं। जिसे हम अभी अभी आपका क्लास भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो क्या है एक मोबाइल ही है। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया में तीव्रता पर बल दिया गया है। यानी कि जो इंटरनेट है यह क्या कर दिया हमारे सीखने की जो प्रक्रिया है उसको तीव्र कर दिया है, सुधार दिया है, इसमें और तीव्र वृद्धि होते जा रहा है। जितना अधिक इंटरनेट का आविष्कार होगा उतना अधिक सीखने की वृद्धि प्रक्रिया तीव्र होती जा रही है। ऐसी शिक्षा में बालक को क्या क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि जो क्रियात्मक दृष्टिकोण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए इसमें प्रोत्साहित किया जाता है आधुनिक शिक्षा में। लेकिन पहले क्या होता था, वो केवल संज्ञानात्मक था, क्रियात्मक नहीं था जो परंपरागत हो उसमें, लेकिन इसमें क्रियात्मक को आधार दी जाती है। फिर है आजकल शिक्षा के लिए नए नए योजनाएं बन रही हैं। यानी कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भारत सरकार जो है या कोई भी देश की सरकार हो, विदेश की हो, नई नई योजनाएं लागू की जा रही है जिससे शिक्षण क्या हो पद्धति जो है अधिक विकसित हो सके, विकास कर सके। हमारे राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही निरक्षरता को देश से समाप्त कर देगी। यानी कि सभी हर एक बच्चा, हर एक गली गली का बच्चा क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, वह शिक्षित रहेगा, साक्षर होगा, ये उनका क्या है घोषणा कर चुका है वो, और उस पर कार्य भी कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना भी प्रारंभ हो चुका है वर्तमान में। ये हो गया आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली। अब हम देखते हैं ICT आधारित शिक्षा प्रणाली ये क्या है। ICT आधारित शिक्षा प्रणाली, चलिए देखते हैं इसके बारे में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी समाहित है। यह रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन, कंप्यूटर आदि के अनुप्रयोगों से सूचना प्रसारण करता है। यानी कि इसमें क्या कहे है, ये जो ICT है यह रेडियो, टेलीविजन, सेलफोन यानी कि हम जो यूज़ करते हैं मोबाइल, कंप्यूटर, इसके माध्यम से इसका प्रयोग कर क्या करता है, सूचनाओं को प्रसारित करता है। यानी कि जो शिक्षण की जो सूचना है उसको क्या करता है हम तक पहुंचाता है। फिर है उच्च शिक्षा में शैक्षिक अवसरों को विस्तृत करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। यानी कि ICT क्या है, जो उच्च शिक्षा का क्षेत्र है उसमें क्या करता है, विकास कर रहा है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा रहा है, इसीलिए ये क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है या साधन है। इससे दूरवर्ती संस्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि ये जो ICT है ये क्या करता है, जो दूर दूर के क्षेत्र में बच्चे रहते हैं उनके लिए भी बहुत प्रभावी है, उनकी जो पढ़ाई की गुणवत्ता है उसमें क्या कर सकता है सुधार ला सकता है, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट है इसमें उच्च शिक्षा के संस्थानों में अधिक पारदर्शिता प्रणाली लाने की शिक्षण की प्रक्रियाओं को और अनुपालन के मापदंडों को मजबूती मिलने की संभावना है। यानी कि जो ICT है उसमें क्या होता है, जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनकी पारदर्शिता यानी कि बच्चों और उनकी जो समन्वय है उनमें क्या हो मजबूती लाने की संभावना अधिक हो जाती है। यह छात्रों के प्रदर्शन, नियुक्ति, वेबसाइट एनालिसिस और उनके ब्रह्मांड की जो एडिट यानी कि उसको क्या करते हैं बच्चे, उनको एडिट करते हैं, संपादित करते हैं, और सोशल मीडिया मैट्रिक्स के विश्लेषण के प्रयोग में सहायक होता है। जो ICT क्या है ये सभी के क्षेत्र में आपके जो प्रदर्शन है, आपके जो मॉडल प्रदर्शन है, इन सभी के लिए, नियुक्ति के लिए, वेबसाइट वगैरह एनालिटिक जो करते हैं हम देखते हैं ग्राफ के माध्यम से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति वगैरह इनको प्रदर्शित करते हैं, संपादन करते हैं, सोशल मीडिया वगैरह है, इन सभी के विश्लेषण में क्या है यह बहुत ही सहायक है। यह क्या करता है, उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ साथ दूरदृश्य जो शिक्षा है उसको क्या करता है, सुविधाजनक बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से ई लर्निंग और दूरदृश्य शिक्षा कार्यक्रमों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से
शिक्षण अधिक रोचक और आसान हो रहा है। यानी कि जो ICT है इसके प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको बहुत ही आसान और रोचक यानी कि प्रभावशाली बना सकते हैं। जो ऑनलाइन शिक्षण है वह किसके माध्यम से होता है, आपके ICT यानी कि आपकी जो संचार वगैरह है उसके माध्यम से ही हो रहा है, आपके तकनीकी के वजह से ही हो रहा है। इसके माध्यम से शिक्षण को इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से शिक्षार्थी तक पहुंचाने में मदद मिलती है। यानी कि जो शिक्षण है उसको कहाँ तक, हम तक पहुंचाने में, विद्यार्थियों तक पहुंचाने में इंटरनेट तथा वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है, ये एक सूचना प्रसारण है जो क्या करता है, जो नेट है उसको एक संस्था से दूसरे संस्था या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुँचाता है या जोड़ता है। तो ये क्या करता है, उसमें मदद करता है। यह शैक्षणिक संस्था के दिन प्रतिदिन की प्रशासनिक गतिविधियों को सरल तथा पारदर्शी तरीके से नियंत्रित तथा समन्वय के साथ निगरानी करने में सहायक है। यानी कि यह क्या करता है, जो शैक्षणिक संस्था है उसकी जो गतिविधि है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है, उसमें ध्यान देता है। जो ICT होता है या उसके हर एक समय की जो गुणवत्ता है उसको क्या करके रखता है, रिकॉर्ड करके रखता है, उसकी जानकारी देता है। जैसे कि हमारा मोबाइल क्या करता है, हमको सूचना देता है कि ये ऐसा वैसा हो गया या आपकी जो मोबाइल है उसकी स्टोरेज फुल हो गई, इस प्रकार से हमको क्या करता है, सूचना देता है, ये मैसेज आ रहा है इस प्रकार से। ये किसके माध्यम से होता है, ICT के माध्यम से ही होता है। फिर है, यह उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकरण, नामांकन, पाठ्यक्रम आवंटन, उपस्थिति की निगरानी आदि की जानकारियों का क्या करते हैं, उपलब्ध कराने में सहायक है। ये जो है उपलब्ध लिखा हुआ है, इसे आप सुधार लेंगे, इसको उपलब्ध कराने में सहायक है। यानी कि ये क्या है, एक इंटरनेट ही है जो ICT है। ये क्या करता है, पूरी जानकारी को संग्रहित करके रखता है, उसको सहायक है, सबको उपलब्ध कराता है, यानी कि हम तक क्या करता है, प्रस्तुत करता है उसको। तो ये हो गया आपकी ICT और आपके जो परंपरागत शिक्षण है, आधुनिक शिक्षा है, ये हो गया आपका कंप्लीट। तो आज का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, आगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो मूल्यांकन प्रणाली है, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में मूल्यांकन प्रणाली वाला जो चैप्टर है वो अध्ययन करेंगे।